विविधता। ईरान की गैस परियोजना जिसे भारत ने खोजा था, अब वो भारत के हाथ से ही निकलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के प्रतिबंध लगाने से ईरान की माली हालत खराब हो चुकी है और इसीलिए ईरान ने फारस की खाड़ी की फरजाद भी परियोजना का काम अपनी घरेलू कंपनियों को देने का फैसला किया है। OVL जो कि ONGC की सब्सिडरी कंपनी है, उसी के नेतृत्व में भारतीय कंपनियों का एक समूह परियोजना पर अब तक $40 करोड़ यानी कि करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। फरजाद भी ब्लॉक में गैस के विशाल भंडार की खोज साल 2008 में भारतीय कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी। ONGC ने इसे विदेशी परियोजनाओं में निवेश के लिए बनाया था। मिली जानकारी के मुताबिक ईरान की नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी ने इसी साल फरवरी में कंपनी को बताया कि वो फरजाद भी परियोजना का ठेका किसी ईरानी कंपनी को देना चाहती है। उस फील्ड में 21,700 अरब घन फुट गैस का भंडार है, जिसका 60% हिस्सा निकाला जा सकता है। परियोजना के तहत रोज 1.1 अरब घन फुट गैस प्राप्त की जा सकती है। OVL इस परियोजना के परिचालन में 40% हिस्सेदारी की इच्छुक थी। इसके साथ ही OIC और ऑल इंडिया लिमिटेड भी शामिल थी। इन दोनों ही कंपनियों की 40% और 20% हिस्सेदारी थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस OVL ने गैस खोज सेवा के लिए साल 2002 में 25 सितंबर को इसके लिए अनुबंध किया था। ईरान की राष्ट्रीय कंपनी ने इस परियोजना को साल 2008 के अगस्त महीने में वाणिज्यिक तौर पर व्यवहारिक घोषित किया। फिर OVL ने साल 2011 के अप्रैल महीने में इस गैस फील्ड के विकास के प्रस्ताव को ईरान सरकार की तरफ से अधिकृत वहां की राष्ट्रीय कंपनी NIOC के सामने रखा था, जिस पर साल 2012 तक बातचीत चलती रही, लेकिन अनुबंध तय नहीं हो सका था क्योंकि ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते इस पर बात बन पाना मुश्किल हो गया था। इसके बाद करीब 3 साल के बाद अप्रैल 2015 में ईरान के पेट्रोलियम अनुबंध के नए नियम के साथ बातचीत को फिर से शुरू किया गया। अप्रैल 2016 में परियोजना के विकास के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बात होने के बावजूद किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका और उसके बाद तो साल 2018 में अमेरिका ने ही ईरान पर आर्थिक पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से तकनीकी बातचीत पूरी नहीं की जा सकी। और अब जब ईरान ने फारस की खाड़ी की फरजाद भी परियोजना का काम अपने घरेलू कंपनियों को देने का फैसला किया है, तो इसे भारत के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब कि जिस गैस परियोजना की खोज भारत ने की और उसके बाद उस पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए, अब वही गैस परियोजना भारत के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है।